नतीजों की ओर हम रुख करते हैं और आईटी पैक्स के नतीजों पर बात करते हैं आ, आ, क्या कुल मिला आपको सार समझ में आ रहा है एक बड़ा ही प्रॉमिस कम करिए डिलीवरी ज्यादा करिए आपको सलामी मिलेगी इन्फोसिस ने दो क्वार्टर से आकर अपनी गाइडेंस काटी गाइडेंस काट रहा है मगर बड़े ऑर्डर्स अनाउंस कर रहा था बोलेंगे दस दिन पहले ईटी न स्वदेश ने हेडलाइन चलाई इन्फोसिस को बड़ा ऑर्डर मिला है फिर आकर के इन्फोसिस ऑर्डर काट रहा है या फिर गाइडेंस काट रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है तो आपको इन्फोसिस ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में दो ढाई क्वार्टर हमारा समय खराब है और जो समय अच्छा है वह वा आने वाले बारह महीने या फिर कम से कम तीन क्वार्टर बाद आने वाला है तो इन्फोसिस का जो स्टॉक है वह अब मुझे पूरे आई क्षेत्र में वही लगता है कि इन्फोसिस का जो स्टॉक है वह अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा मगर आपके पास अगर टाइम होराइजन है और जेनविन टाइम होराइजन कि मैं जी एक साल सवा साल दो साल तीन साल तक आई एम हैप्पी टू ओन इन्फोसिस तो मुझे लगता है इसमें एक बाई बैक आ जाएगा मुझे लगता है इसके अंदर टर्न आएगा आपका इस साल बेस ज़्यादा है अगले साल आपका बेस बेस इस साल कम है अगले साल अगर थोड़ी भी ग्रोथ करेंगे तो आपकी सिक्वेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी तो मार्केट उससे इंप्रेस हो जाएगा तो छः से आठ महीने से ज़्यादा का आपका टाइम फ्रेम है बारह महीने से अठारह महीने का तो मुझे लगता है कि मिड कैप आई में इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज कैप पार्टी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय ज्यादा है आईटी के अंदर एक बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट है टीसीएस इज अ कंफर्ट ट्रेड क्यों क्योंकि वह ग्रो कर रहा है मगर महंगा है क्योंकि वहाँ का पी मल्टीपल उसका 26 से 30 के बीच में मगर वह ग्रो कर रहा है इसलिए महंगा है फिर आपकी सेकंड ट्रेड है इंफोसिस जो कि अनसर्टेन है क्या टर्न अराउंड होगा हमें लगता है होगा मगर हो सकता है कि तीन की बजाय चार क्वार्टर हो जाए तो रिस्क ही है वो तीन में होगा दो में होगा मुझे नहीं पता मगर टर्न अराउंड होगा मगर पेशेंस रखनी पड़ेगी विप्रो इज़ वर्क इन प्रोग्रेस उसमें अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी एच सी एल टेक मेरे हिसाब से ठीक है मगर एच सी एल टेक सरप्राइज़ कर सकता है कि इसका आई एम एस बिजनेस वापस आ जाए और फिर आपका बचता है टेक महिंद्रा जो कि इस साल मैं देख रहा था कि बीस परसेंट ऊपर है उसके अंदर नए मैनेजमेंट आए महिंद्रा की सारी कंपनी घूम चुकी हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ़ टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस तो क्या टेक महिंद्रा का समय आ सकता है तो टेक महिंद्रा भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक होप ट्रेड है इन्फोसिस एक पेशेंस और होप ट्रेड है टी सी एस कम्फर्ट ट्रेड है विप्रो में अभी दूर रहिए और एच सी एल टेक में अगर आपके पास है तो बेचिए मत